आपने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है और लंबे समय से वेट गेन करने की वजह से आप अपने आप से बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके हो। अब आप अपना बैली फैट लूज करके कुछ इस तरीके से दिखना चाहते हो, लेकिन आपका क्वेश्चन है हाउ। इस वीडियो में आपसे मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जिससे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन करनी ज़रूरी होगी। पूरी तरह से कैलोरीज, माइक्रोस, ट्रेनिंग और कार्डियो के साथ साथ खुद का डाइट प्लान कैसे बनाना है, इस वीडियो में हम सारी डिस्कशन करेंगे। सो यू कैन लूज फैट विद फन एंड एंजॉयबल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, बिकॉज यू आर नॉट अलोन, वी आर अ बिग फैमिली, और मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन करें। तो इससे पहले कि आप एक्साइटमेंट में अपने कैलेंडर पर एक गोल सेट करो, उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें स्टार्टिंग से पहले जानना ज़रूरी है। देर आर 7 थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर यू स्टार्ट। मेंटेनेंस कैलोरी और TDE, ये वो कैलोरीज होती है जिनको खाने पर ना तो आपका वजन बढ़ता है ना ही आपका वजन घटता है। आपकी करंट फिजिक को मेंटेन करने के लिए जिन कैलोरीज की जरूरत होती है उन्हें मेंटेनेंस कैलोरी या फिर TDE कहा जाता है। इस मेंटेनेंस कैलोरी या फिर TDE के नंबर को जानने के लिए आप मेंटेनेंस कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। अपनी एज, हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल को एंटर करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा वही आपका मेंटेनेंस कैलोरी या फिर आपका TDE होगा। ध्यान रखना, यह नंबर एकदम 100% एक्यूरेट नहीं रहता। एक्यूरेसी के लिए आप हेनरी बेनेडिक इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, बट द मोस्ट एक्यूरेट मेथड वुड बी ट्रायल एंड एरर मेथड। एक पूरे हफ्ते के लिए अपना फूड इंटेक ट्रैक करो और हर सुबह खाली पेट अपना वेट चेक करो। जिन कैलोरीज पर आपका वेट मेंटेन होगा, दैट इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, यू नीड अ डिजिटल वेइंग स्केल। नो क्वेश्चन आर आस्क्ड, आपको अपने वेट को मॉनिटर करने के लिए एक डिजिटल वेइंग स्केल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके घर में एक स्टैंडर्ड वेइंग स्केल है तो उस स्टैंडर्ड वेइंग स्केल को रिप्लेस करके एक डिजिटल वेइंग स्केल ले आओ, ताकि माइनर से माइनर वेट लॉस या गेन भी आप अच्छे से मॉनिटर कर सको। ट्रैक एवरीथिंग दैट गोज इनटू योर बॉडी। एवरीथिंग मींस एवरीथिंग। इवन अगर आप सुबह चाय में चीनी भी डालते हो तो आपने वो भी मेजर करनी है कि आप कितनी डालते हो। नाउ आप फूड को जो है वे कर सकते हो। नाउ गो टू डाउनलोड द माई फिटनेस पल। सिंपली आपने जो खाया है माई फिटनेस पल पर सर्च करो और उसका जितना वजन है वो एंटर करो। नाउ यू गुड टू गो। इफ यू वॉन्ट टू गेट शेडिड, आपको अपना खाना खुद बनाना होगा, क्योंकि जब आप अपना खाना खुद बनाओगे तो आप अपने फूड को जो है मेजर कर सकते हो, उसका वजन कर सकते हो। अगर आपके लिए खाना कोई और बना रहा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता आपके पेट के अंदर क्या जा रहा है। प्लस यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर ओवर ऑयल, जो कि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। इस चीज को याद रखिएगा, आगे हम इसका यूज करने वाले हैं। द लास्ट थिंग दैट यू नीड इज पेशेंस। अनअचीवेबल गोल सेट करना बंद करो। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कितने दिनों में आपका वेट लूज होगा या कितने दिनों में आपका फैट लॉस होगा, आप अपनी डाइट प्लान को कितना सस्टेनेबल बना सकते हो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। ऑलवेज गिव यू मोर टाइम्स यू नीड, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती हैं और रास्ते में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शंस आ सकती हैं, जैसे एग्जाम, ब्रेकअप, भाई की शादी। नाउ यू गेट द पॉइंट। नाउ लेट्स बिगिन। अगर आपको फैट लॉस या फिर वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिशिएंट में खाना होगा। इट मींस आपके TDE या फिर मेंटेनेंस लेवल से कम खाना पड़ेगा। अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में नहीं हो तो आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे। कैलोरी डेफिशिएंट में आने के लिए आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी में से 200 कैलोरीज कम करनी होगी। अब ऑफ कोर्स आपको हर सुबह अपना वेट मेजर करना होगा, ताकि वक्त के साथ साथ अपनी कैलोरीज को मेंटेन कर पाओ। कैलोरी को कैसे एडजस्ट करना है, हम इसके बारे में थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रैक योर फूड एंड वेट, बिकॉज अगर आप वेट जल्दी जल्दी लूज़ करोगे तो आप अपना मसल मास भी साथ के साथ जल्दी जल्दी लूज़ कर दोगे। अगर आप वेट धीरे धीरे लूज़ करोगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे एंड यू विल गेट बोर सून। प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रेंट्स होता है। यू ऑलवेज हैव टू नो, आपका डेली गोल होना चाहिए कि 1.7 ग्राम टू 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आप डेली प्रोटीन खाओ। मैंने आपको एक रेंज दी है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे मसल मास। द लीनर यू गेट
द मोर प्रोटीन योर बॉडी नीड टू मेंटेन द बिल्ड न्यू मसल मास। प्लस मैं हमेशा हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करता हूँ क्योंकि प्रोटीन गिव्स यू अ हायर थर्मिक इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा प्रोटीन खाओगे आपकी बॉडी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए उतना ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगी, जो कि आपके फैट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। फर्दर हाई प्रोटीन डाइट जो है वो ज़्यादा एसेसिनेटिंग होती है क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन डाइट खाने की वजह से आपका पेट जल्दी फुल हो जाता है और जिसकी वजह से आप ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं कर पाते हो और आपका फैट जो है वो लॉस होने शुरू हो जाता है। दैट इज़ ऑलवेज गुड थिंग ड्यूरिंग द डाइटिंग। तो चीज़ों को सिंपल रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। मान लीजिए एक मोटा वाला संदीप है जिसका वेट जो है 77 केजी है और जिसका कैलोरी इंटेक जो है 2800 है। सो मोटे वाले संदीप का प्रोटीन इंटेक कितना होगा? आप उसका वेट कितना था 77 केजी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 154 ग्राम। याद है 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज के बराबर होता है, तो 154 ग्राम ऑफ प्रोटीन किसके बराबर होगा? 616 कैलोरीज। हार्मोनल फंक्शन के लिए फैट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। अब आपको क्या करना है, जितना बॉडी वेट है उसको 0.88 से मल्टीप्लाई करो तो आपको आपका टोटल फैट इंटेक मिल जाएगा। जो मोटे वाले संदीप के लिए अगर हम बॉडी वेट देखें तो उसका 77 केजी जो बॉडी वेट था उसको आपने 0.88 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको उसका फैट वेट मिल जाएगा, यानी कि वो निकला 67 ग्राम। तो आपको पता है अभी शुरू में मैंने बताया था कि 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज के बराबर होता है, तो 67 ग्राम ऑफ फैट किसके बराबर हुआ? 603 कैलोरीज के बराबर। सो अब प्रोटीन का कैलोरीज और फैट के कैलोरीज को टोटल कर दो, 616 प्लस 603 इज इक्वल टू 1219 कैलोरीज। इसे भी याद रखना, बाद में काम आएगा। सबसे पहले कान खोल के सुन लो, कार्ब्स डोंट मेक यू फैट। मेरी मानो जब आप फैट लॉस करते हो तो सबसे ज़्यादा आप कार्ब्स खाओ। ज़्यादा कार्ब्स मतलब ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोरेज, मतलब बेहतर परफॉर्मेंस, मतलब कम लॉस ऑफ मसल मास। अब बची हुई कैलोरीज को हम कार्ब्स से भर देंगे। अब वापस चलते हैं मोटे वाले संदीप की कैलोरीज पर जो थी 2800। अब इससे पहले हमने जो प्रोटीन और फैट की कैलोरीज निकाली थी वो थी 1219 कैलोरीज। अब टोटल कैलोरीज कितनी है? 2800। इसमें से 1219 कैलोरीज अगर माइनस कर दो तो आपको मिलती है 1581 रिमेनिंग कैलोरीज। 4 कैलोरीज बराबर होता है 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स के, तो 1581 कैलोरीज किसके बराबर होगा? 395 ग्राम ऑफ कार्ब्स। तो मोटे वाले संदीप का हमने स्टार्टिंग कैलोरीज रेट निकाल लिया है, उसका प्रोटीन इंटेक, फैट और कार्ब्स भी निकाल लिए। तो अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि मोटे वाले संदीप का टोटल कैलोरी इंटेक कितना था? 2800 कैलोरीज, प्रोटीन 154 ग्राम, फैट 67 ग्राम, कार्ब्स 395 ग्राम। हर दिन बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है लेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज वाले फूड होते हैं। इसमें हाई अमाउंट ऑफ जो है फाइबर्स होते हैं जिसे खाने पर आपका पेट जल्दी भर जाएगा और आप लेस कैलोरी पर भी भूखे नहीं रहोगे। आपकी ट्रेनिंग बदलनी नहीं चाहिए, डू व्हाट यू ऑलवेज डूइंग। अचानक से हाई रेपिटेशन वाली एक्सरसाइज चालू मत कर देना क्योंकि इससे आपका वर्कआउट वॉल्यूम कम होगा जिससे आपका मसल मास लॉस होगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। रिमेंबर, मसल्स को वीक में कम से कम 2 बार ज़रूर ट्रेन करो। मैं हफ्ते में 6 दिन जिम में जाता हूँ और मैं एक पर्टिकुलर पुश पुल वर्कआउट ट्रेनिंग फॉलो करता हूँ। अपने वर्कआउट रूटीन को फॉलो करें और जब आप वर्कआउट करते हो तो धीरे धीरे वेट को बढ़ाने का काम करें और साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ पर भी काम करें। कार्डियो इज़ अ गुड फ्रेंड फॉर यू बिकॉज कार्डियो से जल्दी वेट लॉस होता है। तो आपने क्या करना है, कम से कम 12,000 स्टेप डेली चलना है या फिर आपने 20 मिनट साइकिलिंग ज़रूर करनी है। एक बात को याद रखना, आपने ऐसे कार्डियो को चूज़ करना है जिसको करने में आपको मज़ा आए ताकि आप लगातार कार्डियो कर पाओ। मैं हमेशा जो है पैदल चलना पसंद करता हूँ। मैं दिन में कम से कम 12,000 स्टेप या फिर 15,000 स्टेप्स चलता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेट लॉस प्लेटो। अब ये क्या चीज़ होती है? अगर आप लगातार सेम कैलोरीज खा रहे हो तो एक पॉइंट पे आपकी वेट लॉस जर्नी रुक जाएगी क्योंकि आप सेम कैलोरीज पर कभी भी लंबे समय तक वेट लॉस नहीं कर सकते और उस सिचुएशन में आप क्या होगा कि आप डीमोटिवेशन होना शुरू हो जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1,
या तो आप अपनी कैलोरीज में से 150 कैलोरीज कम कर दो। याद रखना, अगर आपने कैलोरीज कम करनी है तो आपने कार्ब्स वाले सेक्शन में से करनी है, फैट या फिर प्रोटीन वाले सेक्शन में से नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर 2, या अपनी कार्डियो को बढ़ा दो, यानी कि आपने स्टेप्स या फिर अपनी साइकिलिंग के ड्यूरेशंस को बढ़ा दो, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, अपनी कैलोरी को 150 तक ले आ सकते हो, 150 तक लेस कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं कार्डियो के ज़रिए 150 कैलोरी लूज़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इस वजह से मैं कार्डियो के ज़रिए अपना वेट लॉस करता हूँ। जब भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी फैट लॉस जर्नी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर मेल, 16,000 कैलोरी से नीचे मत जाना। अब बात करते हैं देखो सप्लीमेंट की। द फर्स्ट सप्लीमेंट दैट इज रिकमेंडेड, दैट इज कैफीन। कैफीन आपकी भूख को क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा कम कर देता है। लेकिन ज़्यादा कैफीन खाने मत लग जाना, पागलों की तरह कैफीन मत लेने लगना, इससे आपकी नींद पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप फैट लॉस की जर्नी पे होते हो, नींद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और कैफीन आपकी नींद को इफेक्ट कर सकता है, तो इससे आपकी वेट लॉस की जर्नी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। यस, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, बल्किंग करना चाहते हो, या फिर आप मसल मास गेन करना चाहते हो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आप इसको लो चाहे ना लो, अगर आप अपने फूड से वे प्रोटीन को इनटेक कंप्लीट कर लेते हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और, अगर आप मल्टी विटामिन्स या फिर फिश ऑयल वगैरह के कैप्सूल लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, आप लो या फिर ना लो। हर रात कम से कम 7-8 घंटे तक तो आपको सोना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कैलोरी डेफिशिएट में होते हो तो स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फैट लॉस जर्नी में। कम नींद से आपके मसल लॉस होंगे और साथ के साथ आपकी फैट लॉस जर्नी में इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपका फैट लॉस जल्दी जल्दी नहीं होगा। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लीव अ लाइक, शेयर टू द फ्रेंड्स। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल।